हेलो एनिमे लवर्स, दोस्तों आज की मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए जिसका नाम है द लास्ट नरूटो द मूवी। तो यदि आप असली नरूटो फैन है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों नरूटो की काफी मूवीज आई, जैसे नरूटो द मूवी, निंजा क्लास इन द लैंड ऑफ स्नो, रोड टू निंजा, नरूटो द मूवी और ऐसी नरूटो की टोटल 11 मूवीज आ रखी है। आप इन सबको स्किप कर सकते हैं सिवाय द लास्ट और बरूटो नरूटो द मूवी को छोड़कर। आपको ये दोनों मूवीज जरूर देखनी चाहिए जिसमें से एक मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में ये दोनों स्टोरी लाइन का पार्ट है। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम मादरा और हसीरामा को देखते हैं जो कि हिंसा करते हैं बात को लेकर कि वो शांति कैसे लाएं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि शांति लाने के लिए क्या चाहिए, प्यार या ताकत। फिर हम सीन में आगे देखते हैं हिनाटा के बचपन को, जहां पर उसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं और उसे ब्याकुगान वाली चुड़ैल कहकर बुला रहे होते हैं, वो उसका मजाक बना रहे होते हैं। और फिर नरूटो आता है, वो हिनाटा की तरफ से बोलता है और बोलता है कि मैं हूँ फ्यूचर का होने वाला होकागे। वो अपना शैडो क्लोन बनाता है और दो छोटे बच्चे की क्लोनिंग करता है। फिर वो बदमाश बच्चे नरूटो का भी मजाक बनाते हैं और नरूटो को भी मारते पीटते हैं और उसका रेड स्कार्फ भी खराब कर देते हैं। हिनाटा बोलते हैं कि सॉरी, तुम्हारा स्कार्फ खराब हो गया। नरूटो बोलता है सॉरी कहने की कोई बात नहीं और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं नरूटो को, नरूटो क्लास में होता है और फिर हम सीन में देखते हैं कि इरुका सेंसेई सबसे सवाल पूछते हैं कि अगर दुनिया खत्म होने वाली हो तो आप अपना आखिरी समय किसके साथ बिताना चाहोगे। नरूटो बोलता है जैसे। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं जैसे चांद गिर गया, सब पेपर पर लिखो, आप किसके साथ बिताना चाहोगे। नरूटो सोचता है ना तो मुझे अपने मम्मी पापा का नाम पता है और ना ही मेरे दोस्त हैं, मैं किसका नाम लिखूं। फिर वो पेपर को फाड़ कर फेंक देता है। इरुका से बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आगे हम नरूटो को और बड़ा होते हुए देखते हैं और फिर आगे हम सीन में अयाशी हुआ को देखते हैं जो कि हिनाटा के डैड हैं। से मिलने तोनेरी आया होता है सुरक का हुक्मनामा लेकर। हम अयाशी को कुछ लोगों के साथ फाइट में देखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं नरूटो बच्चों को अपना स्पेशल मूव दिखा रहा होता है। सब बच्चे उसे देखते हैं और खुश हो जाते हैं। वो नरूटो के लिए चेयर करते हैं, खासकर लड़कियां, और उसे दूर से देखकर चोजी, शिकामारू और इनो आपस में बात करते हैं कि पिछले 2 साल के ने उसको हीरो बना दिया है। फिर हम देखते हैं हिनाटा घर पे बैठकर स्कार्फ बुन रही होती है नरूटो की बचपन की याद में। फिर हम देखते हैं नरूटो और कोना हामरू जो कि मार्केट में टहल रहे होते हैं। फिर ढेर सारे बच्चे और लड़कियां नरूटो को ढेर सारे गिफ्ट देती हैं और ये गिफ्ट आने वाले रेन फेस्टिवल की खुशी में होते हैं। और हम उसी मार्केट में हिनाटा और साकुरा को भी देखते हैं, वो मिलते हैं। साकुरा उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। हिनाटा बोलती है कि मैं स्कार्फ बना रही हूँ। साकुरा बोलती है कि जरूर उसके लिए होगा। फिर हम देखते हैं कि रात का समय होता है, हिनाटा स्कार्फ बुन रही होती है और वो साकुरा की बातें सोच रही होती है कि नरूटो काफी पॉपुलर हो गया है, स्कार्फ को जल्दी जल्दी पूरा करो, और भी लोग हैं जो कि उससे मिलने आते हैं, दूर विलेज से लोग उसके साथ फोटोस लेने आते हैं। तभी हिनाटा का स्कार्फ पूरा हो जाता है, वो नरूटो को स्कार्फ देने के लिए भागती है। सोचती है कि मैंने दिल से इसको बनाया है, नरूटो इसको जरूर पसंद करेगा। फिर वो सोचती है रात हो गई है, शायद उसको कल देना चाहिए। फिर वो सोचती है कि नहीं, मुझको इसे आज देना चाहिए, पर वो सोचती है कि मैं इसको कल भी तो दे सकती हूँ। हिनाटा को उसकी बहन हिना भी देख लेती है और वो बोलती है कि तुम्हारे मन में नरूटो के लिए जो भी फीलिंग्स है वो उसको बता दो, मेरे ब्याकुगान में काफी ताकत है, मैं सब देख सकती हूँ। फिर इसके बाद हम काकासी को मीटिंग में देखते हैं और ये मीटिंग सारे कागेज की होती है। मीटिंग में बात हो रही होती है कि चांद काफी बड़ा दिख रहा है और ये धीरे धीरे धरती के पास भी आ रहा है। एक मेंबर बोलती है कि अगर चांद गिर रहा है तो धरती के पास आता जाएगा और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पहले छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिरेंगे, चांद पूरा बर्बाद हो जाएगा और फिर हमारी धरती भी नष्ट हो जाएगी। फिर हम रामेन शॉप में नरूटो, साकुरा, इनो, शिकामारू और चोजी को देखते हैं। नरूटो ने सबको पार्टी दे रखी होती है और फिर वहाँ पर हिनाटा भी आती है। वो हिनाटा को बोलते हैं कि तुम भी आओ पार्टी में ज्वाइन करो। हिनाटा उनके पास जाती है और थोड़ी देर बैठती है, फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि मेरे पास और कोई काम है। साकुरा नरूटो को बोलते हैं कि तुम इसको घर तक छोड़ के आओ। नरूटो बोलता है क्यों, वो एक ताकतवर लड़की है, मुझको उसके साथ नहीं जाना चाहिए, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। फिर साकुरा हिनाटा के साथ चली जाती है और स्कार्फ देने की बात करती है और उसे सपोर्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ निंजा पंछी से कूदते हैं और वो हिनाटा के बहन हिनाबी को किडनैप कर लेते हैं। उनको साई देख लेता है, वो उनका पीछा करता है और इधर हिनाटा अपने दिल की बात नरूटो को बताने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके पीछे नरूटो आ जाता है और वो बोलता है चलो रामेन खाने चलते हैं। हिनाटा उसके गले में ग्रीन स्कार्फ देखती है, उसकी तारीफ करती है और वहां से भाग जाती है और दूर जाके झूले पे बैठ जाती है। उसके पास रेड स्कार्फ था और जिसको लेकर वो रो रही होती है, ये सोचकर कि आखिर वो ग्रीन स्कार्फ नरूटो को किसने दिया होगा। फिर
उसके पास तोनेरी आता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर वहाँ नारुतो भी आ जाता है, तोनेरी पे अटैक करता है लेकिन तोनेरी गायब हो जाता है। फिर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है, वो तोनेरी के आदमियों को भी मारता है और तोनेरी का पीछा करता है। तोनेरी हिनाटा को लेकर भाग रहा होता है, असल में तोनेरी नहीं उसका एक आदमी होता है। नारुतो हिनाटा को बचाने के लिए भाग रहा होता है पर ऊपर से तोनेरी के सैकड़ों आदमी उस पर अटैक कर रहे होते हैं। नारुतो अपने एक ही रासेन शुरिकेन से सबको मार देता है। नारुतो उस निंजा पर रासेन शुरिकेन से अटैक करता है जो कि हिनाटा को ले जा रहा होता है। हिनाटा गिर जाती है पर रेड स्कार्फ की वजह से वो बच जाती है। रेड स्कार्फ को हिनाटा ने पकड़ रखा होता है और वो स्कार्फ किसी बिल्डिंग से फंस जाता है और वो बच जाती है, पर धीरे धीरे उसका हाथ भी फिसल रहा होता है और रेड स्कार्फ भी फट जाता है। वो नीचे गिरती है पर उसको हवा में ही नारुतो बचा लेता है। हिनाटा के नीचे जमीन में गिरने से पहले ही वो उसको कैच कर लेता है। फिर हम देखते हैं नारुतो और हिनाटा एक सेफ जगह पहुंचते हैं। फिर वहां पर तोनेरी भी आ जाता है और बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं फिर आऊंगा कयामत के दिन से पहले, और ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही एक मीटरॉइड नीचे गिरता है और तेज धमाका होता है। फिर अगली सुबह हमें पता चलता है कि हनाबी ह्यूगा का किडनैप हुआ है। नारुतो और उसकी टीम को मिशन मिलता है उसे वापस लाने का। 8 लोगों की टीम होती है जिसका लीडर शिकामारू होता है। वो शिकामारू को एक घड़ी देते हैं, वो घड़ी सभी कागेस के पास भी होती है। वो घड़ी धरती तबाह होने का लिमिटेड टाइम बताती है और घड़ी देकर काकाशी बोलता है कि चांद का धरती से नजदीक आना और हनाबी का किडनैप होना इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ये दोनों एक ही आदमी करवा रहा है। फिर नारुतो अपनी टीम के साथ एयर रूट से निकल जाता है। हिनाटा बैकुगान से एक जगह हनाबी का कुनाई टॉय देखती है, वो उसके पास पहुंचते हैं। नारुतो देखता है कि हिनाटा के बैग में एक रेड स्कार्फ है। वो बोलता है कि तुम इसको लाई हो तो उसका यूज क्यों नहीं कर रही हो, पर हिनाटा उसका यूज करने से मना कर देती है। फिर वो दोनों टीम के पास जाते हैं। हिनाटा को बैकुगान से एक तालाब दिखता है, एक चमकीला तालाब। वो उसके पास पहुंचते हैं। हिनाटा बताती है कि अब मेरे को इसके बाद तालाब के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर वो तालाब के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। वो सब तालाब के अंदर कूद जाते हैं। कूदने से पहले नारुतो बोलता है कि मेरा ग्रीन स्कार्फ गीला ना हो जाए। अकुरा बोलते हैं कि अगर ये गीला भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। नारुतो बोलता है नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए काफी खास है। साई बोलता है इसकी चिंता तुम मत करो क्योंकि ये पानी से कुछ गीला नहीं होगा। स्प्रिंग में कूदने के बाद हम देखते हैं इरुका क्लास में सबको पढ़ा रहा होता है और सबसे वही सवाल पूछा होता है कि अगर दुनिया खत्म होती है तो आप अपना आखिरी पल किसके साथ बिताना चाहोगे। नारुतो पूछता है जैसे कि, फिर इरुका बोलता है जैसे कि चांद गिर जाए। फिर अचानक से चांद नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं नारुतो वर्सेस कीबा की फाइट जो कि जोनन एग्जाम के वक्त हुई थी, और ये सारी बातें नारुतो सोया हुआ सपने में सोच रहा था। और फिर हम देखते हैं हिनाटा की मेमोरीज, वो नारुतो को बचाने के लिए पेन से लड़ती है। फिर हम देखते हैं हिनाटा का रेड स्कार्फ नारुतो की बॉडी से पूरी तरह से अटैच हो जाता है। हम आगे जोनन एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ हिनाटा नारुतो को मरहम पट्टी दे रही होती है। फिर पेन से फाइट करता हुआ देखते हैं, पेन ने नारुतो का हाथ पर कई जगह जख्म दे रखे होते हैं। फिर हिनाटा उसे बचाने आती है। नारुतो बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, पर हिनाटा बोलती है कि यही मौका है, मुझे नारुतो को बचाना होगा। नारुतो ने मुझे हमेशा बचाया, नारुतो ने मुझे हमेशा रास्ता दिखाया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमने ही मुझे बदला है नारुतो, तुम्हारी वजह से मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, मुझे तुमसे प्यार है नारुतो। फिर हम देखते हैं कि नारुतो देखता है कि हिनाटा ने पेपर पे नारुतो का नाम लिखा हुआ है। फिर वो जोनिन एग्जाम्स की मेमोरीज में चला जाता है। वो आगे उन मेमोरीज में भी जाता है जब साकुरा हिनाटा को घर छोड़ने के लिए जाती है। वो देखता है कि वो रेड स्कार्फ उसे नारुतो के लिए बनाया हुआ होता है। वो साकुरा और हिनाटा की मेमोरीज देखता है। फिर वो रामेन शॉप से हिनाटा के पीछे भागता है और वो उन मेमोरीज को भी देखता है जहाँ हिनाटा नारुतो से अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर उसे साकुरा सपने से उठा देती है। उन्हें पता लगता है कि दुश्मन का बुना हुआ एक गेंजुत्सु जाल है जिसमें पर्सन अपनी यादों की दुनिया में डूब जाता है। वो गेंजुत्सु साकुरा ने हटाया होता है क्योंकि ऐसा काम वही करती है। फिर उन्हें एक और तालाब मिलता है, वो उसमें भी कूद जाते हैं, पर कूदने से पहले नारुतो बोलता है कि मैं अपने गेंजुत्सु वाले सपने के बारे में सोच रहा था। हिनाटा बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। नारुतो बोलता है कुछ नहीं। फिर वो कूद जाता है। फिर हिनाटा के पास तोनेरी आता है। वो बोलता है कि तुम मेरी ब्याकुगान प्रिंसेस हो, और उसके पास शादी का प्रपोजल लाया होता है और बताता है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है, मेरे महल में। फिर हम देखते हैं नारुतो हिनाटा को बचाने आ जाता है, और इधर साई साकुरा और शिकामारू भी बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। शिकामारू साकुरा और साई बीस्ट को मार देते हैं, और इधर नारुतो भी तोरेनी को मार देता है, पर वो उसका असली शरीर नहीं होता, वो सिर्फ एक कठपुतली होती है। फिर वो बाहर आते हैं और एक तैरते हुए टापू को देखते हैं और एक आर्टिफिशियल सन। फिर वो खोज में और आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि रात का समय होता है, नाटा नारुतो के लिए स्कार्फ सिल रही होती है। नारुतो देखता है और सोचता है कि क्या ये मेरे लिए है।
फिर अगली सुबह को हम देखते हैं कि हनाबी की खोज में वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो किसी अजीब खंडर जगह जाते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पहले एक शिनोबी विलेज रहा हो या यहाँ पर काफी बड़ा युद्ध हुआ हो। नारुतो और हिनाटा एक साथ होते हैं, वो एक साथ घूम रहे होते हैं, बात करते हैं, वो साथ में खाना खाते हैं और फिर नारुतो गिर जाता है तो उसको पीठ में चोट लग जाती है। हिनाटा उसे दवाई लगाती है। फिर नारुतो बोलता है कि तुमने मुझे जूनियर एग्जाम वाले दिन भी कुछ ऐसा ही दिया था। ऐसा नारुतो तब बोलता है जब हिनाटा उसको दवाई देती है और बोलता है कि मुझको सब कुछ याद है। हिनाटा बोलते है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, जब हम तोनेरी से लड़ रहे थे वो मेरे पास आया था। वो ऐसा बोलने ही वाली होते कि तभी साई आता है और उनको बुलाता है और बोलता है कि आओ आपस में मिलते हैं। फिर उन्हें उस विलेज में प्राचीन लिखावट से पता चलता है कि पहले तेंसी आंखें चंद्रमा को कंट्रोल करेंगी और इंसानों का खात्मा करेंगी, मतलब काकासी सेंसे का शक सही था। फिर वहाँ ब्याकुगान प्रिंसेस बोलता हुआ एक आदमी आता है, वो एक कठपुतली होता है, उसके मुँह से एक एनर्जी बॉल बाहर आता है, वो चाकरा होता है। वो हिनाटा को कुछ व्यू दिखाता है, उसे देखकर हिनाटा बेहोश हो जाती है। वो आदमी बोलता है कि तेंसे गान का पुनर्निर्माण करेगा और ऐसा बोल के वो भी बेहोश हो जाता है। और आखिरी में वो बोलता है उतोस्तुकी, यानी सेज ऑफ सिक्स पाथ का सरनेम हागोरोमो उतोस्तुकी। उनको पता लगता है कि हिनाटा एक ब्याकुगान प्रिंसेस है, उसने ये सब भी कहा, मतलब कि ये सब आपस में इंटरलिंक है। फिर हम देखते हैं हिनाटा स्कार्फ बुन रही होती है। नारुतो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। फिर हिनाटा बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे अकेले रहना है। फिर अगले दिन वो हनाबी की खोज में किसी दूसरे टापू पर चले जाते हैं। वहाँ नारुतो हिनाटा को काफी उदास देखता है, वो वहाँ से चले आते हैं। फिर रात को हम देखते हैं हिनाटा बुनाई कर रही होती है। नारुतो उसके पास जाता है और वो बात करता है, वो हनाबी के बारे में बात करते हैं और नारुतो बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं हनाबी को बचा के रहूँगा। हिनाटा बोलते हैं कि नारुतो तुम बहुत अच्छे हो। नारुतो बोलता है नहीं, मैं बस अच्छा ही नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ और मैं हनाबी को लेकर काफी परेशान भी हूँ। हिनाटा बोलती है तुमने अभी क्या कहा, दोबारा बोलो ना। मैं हनाबी को लेकर काफी परेशान हूँ, हिनाटा बोलती है उससे पहले। नारुतो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ तोनेरी आ जाता है और हिनाटा नारुतो को रेड स्कार्फ देकर उसको अलविदा बोलकर तोनेरी के साथ चली जाती है। नारुतो उसको रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। तोनेरी बोलता है लौट जाओ, हिनाटा अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, यही प्राचीन काल की किस्मत है, मैं हिनाटा से शादी करूंगा। तोनेरी नारुतो पे अटैक करता है, नारुतो नीचे गिर जाता है, नारुतो का सारा चक्रा खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चांद के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिर रहे होते हैं और लैंड ऑफ फायर को बचाने का इंतजाम हो रहा होता है। सारे कागेस नीचे गिर रहे मेटोरॉइड्स को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि साकुरा नारुतो को हील कर रही होती है और इधर तोनेरी हिनाटा को अपने महल में लाया हुआ होता है। हिनाटा अपनी बहन से मिलती है और देखते हैं कि उसकी आंखें उससे ले ली गई हैं। फिर हम देखते हैं जिस समय तालाब के अंदर तोनेरी हिनाटा से मिलने आया था, वो हिनाटा को बताता है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है और मैं उसका ब्याकुगान ले चुका हूँ, मुझको इसके लिए माफ करना, ऐसा मुझे हमूरा के हुक्मनामा को पूरा करने के लिए करना पड़ा। सेज ऑफ सिक्स पाथ को 10 टेल्स से खतरा था, इसलिए उन्होंने 10 टेल्स के चक्रा को निकाल कर सभी 9 टेल बीस्ट के अंदर डाल दिया, 10 टेल्स की शक्ति कमजोर हो जाए और 10 टेल्स का स्टैचू चंद्रमा के अंदर सील कर दिया गया ताकि 10 टेल्स जिंदा ना हो सके। हामुरा ने चंद्रमा पर रहने का ठान लिया ताकि वो स्टैचू की रक्षा कर सके और हामुरा को चिंता थी कि उस दुनिया को लेके जो उसके बड़े भाई ने बनाई थी, ये चिंता कि अगर उस दुनिया के लोग गलत रास्ते पे गए तो क्या होगा। इसलिए हामुरा ने चांद पर रहने का फैसला किया और वहाँ पर अपनी दुनिया बनाई और धरती पे लोग चक्रा का फालतू में यूज कर रहे थे आपस में एक दूसरे को मारने के लिए। फिर 10 टेल्स का स्टैचू चोरी हो गया और 10 टेल्स का पुनर्जन्म हुआ। फिर हमारे क्लैन ने डिसाइड किया कि सेज ऑफ सिक्स पाथ की बनाई हुई दुनिया को हमको मारना होगा, खत्म करना होगा और हमने तुम्हारी दुनिया को खत्म करने का प्लान किया और हमूरा के हुक्मनामे के हिसाब से जब इस शुद्ध ब्याकुगान मेरे चक्रा से कनेक्ट होगा तब दुनिया को नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं इस धरती को तबाह करके एक नई दुनिया बनाऊंगा, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे जवाब के लिए। फिर हम देखते हैं कि तोनेरी हिनाटा को महल में घुमाता है और बताता है कि यहाँ हम शादी करेंगे और ये सारी कठपुतलियाँ हैं। हिनाटा बोलते हैं कि नहीं, इससे चांद भी खत्म हो जाएगा। तोनेरी बोलता है कोई बात नहीं, ये हमारा महल काफी मजबूत है जिसको चक्रा प्रोटेक्ट किए हुए है। हिनाटा बोलती है क्या ऐसा भी कोई चक्रा होता है। तोनेरी बोलता है हाँ, ये ओनसोन के खानदान की ताकत है। फिर हिनाटा अपने कमरे में जाने की बात करती है तो तोनेरी बोलता है कि तुम मेरे लिए भी एक स्कार्फ बना दो। तभी तोनेरी की आंखों में दर्द होने लगता है, वो बोलता है कि ये सबूत है कि ब्याकुगान तेंसे में बदल रहा है। फिर हिनाटा एक वॉर का व्यू देखती है जो उसको कठपुतली वाले इंसान ने दिखाया था। उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है हम हमूरा के वंश से हैं, हमें ओतोस्तुकी की मेन ब्रांच
है, पर हमारी दूसरी ब्रांच ने ही हमारे खिलाफ बगावत छेड़ दी है सिर्फ और सिर्फ हमूरा का हुक्मनामा पूरा करने की वजह से। सुनहरी दूसरी ब्रांच का है, वो धरती का विनाश करना चाहता है सेंसेई गान को एक्टिवेट करके। सिर्फ आप ही हैं जो उसको रोक सकती हैं ब्याकुगान प्रिंसेस, आप उसको रोक लीजिए और धरती को बचाइए। फिर हिनाटा के पास हमूरा ओतोस्तुकी आते हैं और वो कहते हैं मेरे भाई ने जो दुनिया बनाई उसको तुम बुरे लोगों से बचाओ। फिर हिनाटा फैसला करते हैं कि सेंसेई गान को ढूंढ निकाल कर उसको तबाह कर देगी। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू और साई तुनेरी के महल के पास पहुंचते हैं और जीनियस शिकामारू अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है और महल के चक्रा पर अटैक करता है। तभी सारे गार्ड्स ने भी उन पर अटैक करते हैं और शिकामारू पता लगा लेता है कि किस तरह इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। और इधर हम देखते हैं कि अर्थ पर रायकागे चांद को खत्म करने और सारे मीटरॉइड्स को भी उड़ाने के लिए एक कैनन तैयार करते हैं और ये कैनन किसी भी टारगेट को दूसरे डायमेंशन में भेज सकती है, पर इसके लिए काफी ज्यादा चक्रा चाहिए। और इधर हिनाटा टोनेरी को समझाते हैं कि हमारी धरती की सुनोबियों के साथ बातचीत करके भी मामला को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने पहले काफी गलतियां की और चक्रा को वेस्ट किया, पर अब वो ऐसे नहीं है, वो बदल चुके हैं, वो बदल जाएंगे। पर टोनेरी उसकी बात नहीं मानता और उसको चुप रहने के लिए बोलता है। फिर हिनाटा बाहर एक तैरते हुए टापू को देखते और उसके बारे में पूछती है तो टोनेरी बताता है कि ये हामुरा का मंदिर है और फेस्टिवल ऑफ रेन के पास हम इसको देख सकते हैं, साल में एक बार ही आता है। हिनाटा सोचते है कि पक्का सेंसेई गान इसी मंदिर में होगा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो को होश आता है, वो पिछले 3 दिन बाद बेहोशी से उठा था। साई नारुतो को बताता है कि तुम सपने में जोर जोर से नींद में हिनाटा चिल्ला रहे थे और हमने तुम्हारी बातें भी सुनी, ये सब मेरे लिए काफी अच्छी रिसर्च थी। फिर हम देखते हैं कि टोनेरी हिनाटा के साथ हमूरा के मंदिर में श्रद्धांजलि देने जा रहा होता है। टोनेरी हिनाटा को बताता है कि मैं साथी के बाद तुमको दिखाऊंगा सेंसेई गान। फिर हम आगे देखते हैं कि नारुतो हिनाटा के जाने की वजह से काफी उदास था। सकुरा नारुतो को हिनाटा की फीलिंग्स के बारे में बताती है, पर नारुतो बोलता है कि अब तो वो टोनेरी के साथ चली गई है। सकुरा बताते हैं कि ये बात साफ है कि उसके पास कोई कारण था जो तुमसे नहीं बता पाई। और इधर हिनाटा को सेंसेई गान मिल जाता है, उसके पास टोनेरी आता है। हिनाटा बोलते हैं कि तुम मुझको गलत समझ रहे हो, हमूरा मिले तुम लोगों ने उनके हुक्मनामे को गलत समझा, वो कभी सेज ऑफ सिक्स पाथ की बनाई दुनिया को तबाह करना ही नहीं चाहते थे। पर टोनेरी उसे झूठी और धोखेबाज बोलता है, उसे डांटता है और बोलता है ये स्कार्फ भी तुम मेरे लिए नहीं उसके लिए बना रही थी, और उसका स्कार्फ फाड़ देता है और जबरदस्ती उसके अंदर अपना चक्र डाल देता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। और इधर नारुतो हिनाटा को बचाने का डिसाइड करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि रायकागे मेटेरॉइड्स को तबाह करने के लिए कैनन यानी तोप लोड करवाता है और इधर टोनेरी जबरदस्ती हिनाटा से शादी करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपनी टीम के साथ महल पर अटैक करता है। नारुतो एक ही वार में अपने रासेन सुरकेन से सारे टोनेरी के गार्ड्स को मार देता है और शिकामारू अपने शैडो बाइंड टेक्निक से एक एनिमी के बर्ड को कंट्रोल करता है और सबको एंटर करवाता है। उन सब पे हमले हो रहे होते हैं जो कि टोनेरी के आदमी होते हैं और इसमें हम नारुतो की सेज वाली आंखें भी देख सकते हैं। वो महल में एंटर कर जाते हैं जहां उन्हें कई निंजा गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं और उधर टोनेरी और हिनाटा की शादी की रिचुअल कंप्लीट हो रही होती है। शिकामारू नारुतो की हेल्प के लिए बोलता है कि तुम हिनाटा के पास जाओ, मैं इन सारी कठपुतलियों को कंट्रोल करता हूँ। फिर हम सीन में देखते हैं कि गारा भी सारे मेट्रोइड्स को रोक रहा होता है और काफी बड़ा मेट्रोइड ककासी की ओर आ रहा होता है और ये वाला मेट्रोइड काफी बड़ा था तो रॉकली ग्रीन व्हील फॉर्मेशन करके मीटरॉइड के 2 टुकड़े कर देता है। पर मीटरॉइड इतना बड़ा था कि उसके 2 टुकड़े भी काफी डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। वो मीटरॉइड ककासी की ओर बढ़ रहा होता है तभी उचिहा सास्के की बैडास एंट्री होती है और वो मीटरॉइड को गायब भी कर देता है। आखिर वो शैडो होकागे जो है। इधर साकुरा और साई भी कठपुतलियों से लड़ रहे होते हैं और उधर टोनेरी हिनाटा से शादी कर रहा होता है। नारुतो उनके पास पहुंचता है पर हिनाटा उस पर अटैक करती है। नारुतो को पता चल जाता है कि वो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो हिनाटा के अंदर से उसका चक्रा निकालता है और उसको नष्ट कर देता है। फिर उसी वक्त टोनेरी की आंखों में काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है जो कि ब्याकुगान के इम्प्लांटेशन की वजह से होता है। फिर हिनाटा और नारुतो एक साथ सेंसेई गान को तबाह करने जाते हैं। साई और शिकामारू को हिनाटा की बहन हनाबी भी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि हिनाटा और नारुतो सेंसेई गान के पास पहुंचते हैं। हिनाटा नारुतो को बोलती है कि इसको सिर्फ वही नष्ट कर सकता है जिसके पास हमूरा का चक्रा है, अगर इसके अलावा और कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा। हिनाटा उसको नष्ट करने के लिए ट्राई करती है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हिनाटा नारुतो को कहने पर खुद का चक्रा नारुतो से शेयर करती है और फिर मिलके अटैक करते हैं और सेंसेई गान को खत्म कर देते हैं। उनको पता लगता है कि सेंसेई गान जो कि ब्याकुगान आइस का एक ग्रुप होता है, उन्होंने जब उसको खत्म किया तो वो इधर उधर तैरने लगा। फिर हम देखते हैं कि सेंसेई गान के खत्म होते ही महल के बाहर का चक्रा और सारे कठपुतली अपने आप खत्म होते जा रहे हैं और होकागे को पता चलता है कि चांद रुक सा गया है। और इधर रायकागे की
तोप की डिस्ट्रक्शन एबिलिटी भी 100% पहुंच चुकी थी। वो तोप चलाते हैं और स्पेस में ही आ रहे सारे मेट्रोइड को खत्म कर देते हैं और फिर राय का आगे चांद को भी खत्म करने का प्लान बनाता है। नरुटो और हिनाटा शिकामारू से मिलते हैं। नरुटो बताता है कि हमने तेंसेगन को नष्ट कर दिया और इससे चांद की मूवमेंट भी रुक गई है। शिकामारू बोलता है कि इससे तो सन भी गायब हो गया है। फिर वो अपनी वॉच को देखता है। फिर साकुरा हिनाटा को स्कार्फ का पीस देती है। नरुटो बताता है जब मैंने तुम्हारी बॉडी से उसका चक्रा निकाला तो मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज देख ली थी, इस वजह से मुझको सब कुछ पता है। नरुटो उससे स्कार्फ मांगता है और वो उसको स्कार्फ दे देती है। नरुटो कहता है कि मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूंगा। फिर हमें पता चलता है कि चंद्रमा के मूवमेंट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। फिर वहां पर भूकंप सा जाता है और एक गोलम जग जाता है जो कि हमुरा ओतोस्तुकी का होता है। फिर नरुटो अपने अंदर से कुरामा को बाहर निकालता है और कुरामा और उस गोलम की फाइट होती है। फिर हम आगे देखते हैं काकासी हियासी से बात कर रहा होता है। हियासी उससे बोलता है कि वो सब चांद पर ही है, तुम चांद को हानि मत पहुंचाना। तभी काकासी के पास खबर आती है कि नाइन टेल्स को चंद्रमा पे देखा गया है। चंद्रमा पे नाइन टेल्स और बीस लड़ रहे होते हैं और इधर काकासी गारा और मिजू कागे राय कागो को रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम कम से कम एक घंटे तो रुक जाओ फिर तोप चलाना। नरुटो ग्रेट निंजा वॉर का हीरो है, उसके साथ हमें कोई धोखा नहीं करना चाहिए, पर राय कागे को तो दुनिया को बचाना है, उसको तो उनकी बलि देकर दुनिया को बचाने का भूत सवार है। काकासी बोलता है कि ईमानदारी ही सच है। फिर हम देखते हैं कि नरुटो और तोनेरी की फाइट होती है। तोनेरी हिनाटा को पिंजरे में डाल देता है उसको ले जाने के लिए। तोनेरी सेज ऑफ सिक्स पाथ की दुनिया को तबाह करना चाहता है और वही नरुटो उसको बचाना चाहता है और उसको रोकता है। और इधर कुरामा और हामुरा के गोलम की भी फाइट हो रही होती है और ये फाइट चांद पर हो रही थी। और इधर तोनेरी गोल्डन विल रिवर्स एक्सपोजर का यूज करता है जो कि उसकी काफी स्पेशल एबिलिटी है और नरुटो को काट देता है और इससे वो चांद के भी दो टुकड़े कर देता है। तोनेरी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी नरुटो की हीरो वाली एंट्री होती है। वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है और वो उस पे मल्टीपल रासेंगन से अटैक करता है। तोनेरी बोलता है इसका कोई फायदा नहीं। नरुटो कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता, इस स्कार्फ को बनाने में काफी समय लगता है और इसे बनाने में तुम जितना ज्यादा भावनाओं को लगाते हो उतना ज्यादा समय लगता है। नरुटो और तोनेरी के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। नरुटो बोलता है अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए ये बहुत बहुत समय लेता है और इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से बेकार नहीं जाने दूंगा। और तोनेरी का तेंसेन नरुटो के एक ही वार में गायब होने लगता है और तेंसेन के खत्म होते ही गोलम बीस्ट भी शांत होने लगता है। और फिर हिनाटा तोनेरी से हनाबी की आंखें ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि ढेर सारे ब्याकुगान आइस की लेयर तोनेरी के ऊपर चढ़ जाती है। ये वही थी जो कि तेंसेन गान के नष्ट होने पर रिलीज हुई थी। और इधर कुरामा गोलम बीस्ट पे वार करता है। तोनेरी अभी भी हामुरा के हुक्मनामे को पूरा करना चाहता था। तोनेरी नरुटो का सारा चक्रा अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हिनाटा अपना चक्रा नरुटो से शेयर करती है, पर तोनेरी भी अपनी लिमिट पार कर चुका था। वो काफी चक्रा अब्सॉर्ब कर चुका था और साथ ही साथ सूरज की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर चुका था। और इधर लॉर्ड रायकागे तोप चलवाने ही वाला होता है कि तभी पता चलता है कि कुरामा ने चांद की सतह पर कुछ लिखने की कोशिश की है, जिसका मतलब है कि मिशन कामयाब रहा। फिर न्यूज फैलाई जाती है कि अब हमारी दुनिया सुरक्षित है और जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है वो है शिकामारू, साकुरा, साई, हिनाटा और नरुटो। फिर हम देखते हैं कि हिनाटा तोनेरी को उसी जगह ले जाती है जहां पर उसने हामुरा से बात की थी। फिर तोनेरी को हिनाटा की बात पर यकीन होता है। हिनाटा बोलती है कि एक बार हमारी धरती पर जरूर आना। तोनेरी बोलता है कि नहीं, चंद्रमा कभी धरती पर ना जाए। फिर हिनाटा नरुटो से पूछती है कि तुमने जो ग्रीन स्कार्फ पहना था वो किसने दिया था। नरुटो बोलता है कि वो उसकी मॉम ने उसके लिए बनाया था और ये स्कार्फ उसके दादा ने संभाल के रखा था और उसको दिया था। फिर सभी रास्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। नरुटो हिनाटा का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो धरती पर वापस चलते हैं। रास्ते में नरुटो हिनाटा से बताता है कि एकेडमी में जब पूछा गया था कि हम अपना आखिरी पल किसके साथ बिताना चाहेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय ना तो मेरे दोस्त थे और ना ही मेरे माता पिता, पर अब मुझे पता है कि मुझे किसके साथ रहना है और किसे चुनना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हिनाटा। ऐसा सुनकर हिनाटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नरुटो को हम रेड स्कार्फ में देख सकते हैं। नरुटो और हिनाटा अपने बचपन की मेमोरीज में भी जाते हैं। फिर पाथ पूरा खराब होने लग जाता है। नरुटो हिनाटा से बोलता है तुम मुझे कसके पकड़ो और फिर कभी मत छोड़ना। फिर वो तालाब से बाहर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि नरुटो हिनाटा को किस करता है और बोलता है शुक्रिया हिनाटा। और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो एनिमे लवर्स, आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने किसी एनिमे लवर फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अगर किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपको चाहिए तो वीडियो पे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।